हेलो फ्रेंड, दादी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मैंगो का पल्प, और उसके लिए चाहिए 1 किलो शक्कर, और हमें चाहिए 1 चम्मच साइट्रिक एसिड और थोड़ा येलो कलर। तो हम शुरू करेंगे मैंगो जैम बनाना। गैस चालू करेंगे, उसमें हम ये मैंगो पल्प डाल देंगे। मैंगो पल्प हमने मिक्सर में घुमा के आम को निकाला है। अब इसमें मिला देंगे 1 किलो शक्कर। से हमें शक्कर घुलने तक पकाना है। शक्कर घुलने के बाद हमें इसमें साइट्रिक एसिड डालना। शक्कर हमारी घुल गई, अब हम इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड। 1 चम्मच साइट्रिक एसिड है। शक्कर घुलने के बाद हमें डालना। अब हमें इसका प्लेट टेस्ट लेकर देखना है कि हमारा जैम पक के तैयार हुआ कि नहीं। जर्मन की प्लेट में हम थोड़ा सा जैम डालेंगे, इसको फूंक के ठंडा करेंगे। जैम ठंडा हो चुका है, इसको हम तिरछा करके देखेंगे। अगर ये इसकी जगह से हटता है और प्लेट सूखी है तो समझिए कि हमारा जैम तैयार हो गया। थोड़ी अभी हमारी प्लेट गीली आ रही, थोड़ा और पकने देंगे। इसका हम रिंकल टेस्ट देखेंगे, अगर ये एक जैसा गिर रहा है। अब ये प्लेट देखो बिल्कुल सूखी दिख रही है। जैम अपनी जगह हो गया है फिक्स, हमारा जैम तैयार है। इसे हम चौड़े मुँह की बाटल में भर लेंगे। इसे हमें गरम गरम ही भरना है। जैम भरने के लिए हमारी बाटल तैयार है। इसमें हमें गरम गरम जैम भरना है, और इसको हमको लकड़ी के तख्ते पर रख कर भरना है गरम गरम। अगर लकड़ी के तख्ते पर नहीं रखेंगे तो बाटल फूट जाएगी, इसलिए आपको लकड़ी के तख्ते पर रख कर ही जैम को भरना है। इसको ठंडा होने के बाद फिर इसको ढक्कन लगाना।
देखिए 2 किलो आम में 1 किलो पल्प निकला था आम का, उसमें 3 बाटल जैम बन के तैयार। ये घर का जैम बहुत अच्छा रहता, बहुत सस्ता भी पड़ता है बाज़ार के जैम के मुकाबले। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।